ये जिस वक्त एयरक्राफ्ट जो है ये 6:40 पर जिस वक्त आया है, तो इस्लामाबाद का उस वक्त वेदर जो था वो काफी रफ था। स्पेशली एविएशन टर्मिनोलॉजी में जिस वक्त कहते हैं कि एक सीबी क्लाउड होता है जो थंडर स्टॉर्म जिसके अंदर होती है। वाइल अप्रोचिंग द रनवे वो क्लाउड ऊपर था और ये क्लाउड के नीचे आया है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर इतना आया है कि ये बेली के ऊपर जहाज जो है ये जमीन पर क्रैश हुआ है। दिस इज वॉट वॉज डन इन दिस क्रैश। जिस जगह पर ये जहाज क्रैश हुआ है, इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। वहां पर ये अभी तकरीबन एक एस्टिमेट ये है कि 40 घर जो है वो अफेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2 या 3 जो है वो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, बाकी जो है वो कम अफेक्ट हुए हैं। उधर जो इंजरीज और डेथ टोल जो है वो अभी तक पता नहीं लगा है। भोजा एयरवेज का ये एक हिस्ट्री है कि ये एयरलाइंस जो है ये काफी अरसे से बंद रही है। इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट। अब ये कुछ 4 महीने पहले जो है इसका लाइसेंस जो है वो दोबारा रिन्यू किया गया था। और ये स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट जो था, दिस वॉज 27 years and 4 months old, 737 था। लेकिन इसके अंदर जो नेविगेशनल टूल्स जो थे वो प्रॉपर थे, आज के दौर के थे नहीं थे, ये अभी पता करने वाली बात है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जहाज जो है वो इस तरह क्रैश कर गया है और 127 डेथ टोल है इस वक्त तक, और जिसमें से 5 बच्चे इन्फेंट्स हैं और एक कपल ऐसा है जिसकी अभी 20 दिन पहले शादी हुई थी। एंड दे वर कमिंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट के दिस हैपेंड।